आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए, हम भिवंडी की आपको एक बड़ी खबर लेके जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि भिवंडी शहर के निजामपुरा थाने के हुदूद में वाकई वंजारपट्टी नाका, जहाँ नाका है, उस इलाके में इस वक्त बड़ी अफरा तफरी का माहौल देखा गया है, जिसमें आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि एक लोहे का गेट है और इस लोहे के गेट के पीछे कच्चा कपड़ा यानी कच्चे कपड़े का चेकिंग वगैरह होता है। यहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बंगाल के लोग हैं और इसी बंगाल के दो लोगों में आपस में जो कहा सुनी हो गई और कहा सुनी यहाँ तक पहुँच गई कि एक दोस्त ने दूसरे को दोस्त का कत्ल कर दिया। 25 साल उम्र का जो है बिच्चू बर्मन जो अपने दोस्त के साथ काम किया करता था और कच्चे कपड़े को में काम करने वाले ये दोनों अपराध जो फैक्ट्री के अंदर दोनों मजदूर आपस में खाना पकाने की बात करने लगे। बिच्चू बर्मन नामी मजदूर जो 25 साल का है, इसने अपने दोस्त के साथ हुज्जत बहस की और कुछ कहा सुनी हो गई और आपस में ये लोग लड़ पड़े। लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ गई कि बिच्चू ने जो अपने दोस्त दीपक बर्मन जो 35 साल का है उसको पत्थरों से कुचलकर उसको हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही बंगाल के रहने वाले हैं। वाकई की इतला मिलते ही निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नरेश पवार और खुद एसीपी सुनील वर्के अपनी पूरी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। मजीद तफ्तीश के बाद में लाश को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में भेज दिया गया। इसके बाद कंपाउंड में छुपे हुए मुलजिम को वहां से बाहर निकाला गया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछगुछ के बाद इसने अपने साथी मजदूर को क्यों और किस हथियार से कत्ल किया वो बता दिया। हालांकि इब्तदाई तौर पर इसने पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन बाद में पुलिस की सख्त पूछगुछ के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और एतराफ करते हुए ये बताया कि इसने ही अपने साथी मजदूर को पत्थर से मारकर कत्ल किया। फिलहाल पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ है।